चैनल का प्रयास ये रहता है कि ऐसी दिक्कत आपको न झेलनी पड़े। कुछ सजेशन हम इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, यदि आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। आज हम रोहतांग टॉप क्या कंडीशन है और रोहतांग स्टैचू वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, कहाँ गया था, पहले वीडियो बनाया था, और साथ में रोहतांग साइड वाले रोड साइड क्या नज़ारे, कितनी सड़क रोड कंडीशन की क्या है, ट्रैफिक टूरिस्ट, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और भी बहुत कुछ बातें जो आपको जानना ज़रूरी है रोहतांग पास आते वक्त। और अब ट्रैफिक कम होने लग गया है, जिनको ट्रैफिक से डर था तो आ सकते हैं, और टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक जो मनाली पैकेज और यहाँ आने के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। सामने है लाहौल स्पीति की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ जो बादलों से कवर्ड है, नहीं तो ये वीडियो और भी ब्राइट होता। और यहाँ आप जितने भी स्नो एडवेंचर एक्टिविटी है वो सब कुछ कर सकते हैं, ATV, स्नो स्कूटर, याक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, इवन मड्डी के आसपास आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, और आप यहाँ ट्यूब राइड भी कर सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। और ये देख लीजिएगा रोहतांग पास स्टैचू, कंडीशन सही नज़र आ रहा होगा लेकिन सही नहीं है, अब देख लीजिएगा अब समझ में आ जाएगा पूरा। ये टूट चुका था इसलिए बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था, और ये आपके लिए हमने वीडियो लाया। और अब उसका नया निर्माण हो रहा है जैसा कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है रोहतांग पास। अब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको नया यहाँ कलर करके और ये सेम टू सेम बना हुआ मिलेगा। तो ये रोहतांग टॉप है और 13,058 फीट के ऊपर आपका स्वागत है। और एक शिकायत है आपसे, जितनी हमारी टीम मेहनत कर रही है उतने सब्सक्राइब कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, उत्साहवर्धन मिलता है, इसलिए निवेदन है चैनल फैमिली चैनल है, पारिवारिक चैनल है, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, आप अच्छा मोटिवेशन देते हैं तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही। तो इस प्रकार के नज़ारे हैं। और अब रही बात बर्फ़ की, तो मेरा एक अनुमान है बर्फ़ इस वर्ष नहीं पिघलेगी, चाहे कितनी भी रेनफॉल हो, रेनफॉल होगा तो स्नोफॉल भी ज़रूर हो जाएगा, वापस कवर होने वाला है। तो ये लाहौल स्पीति का नज़ारा, एक तरफ कुल्लू, बीच को ये जोड़ता हुआ रोहतांग पास 13,058 फीट के साथ, और आप आ सकते हैं। अब ट्रैफिक कंडीशन कम हो चुका है और हो सकता है कि अब चार्जेज भी कम हो जाए, क्योंकि ऑफ सीज़न 15 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई के आसपास ऑफ सीज़न प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ आने का खर्चा भी अब कम हो जाएगा। तो रोहतांग टॉप से अब आपको हम रोड साइड वाले नज़ारे भी आप अब दिखाते हैं। रोड साइड में ट्रैफिक और साथ में टूरिस्ट और वहाँ व्हीकल कितने, और साथ में जो खतरनाक मोड़ है या जहाँ रोड स्लिप होती है वो आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। हमारी टीम क्या करती है, अर्ली मॉर्निंग निकलती है, इस वीडियो के लिए सुबह 4:30 बजे निकली थी, और उस वजह से क्या है ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, यह नहीं कि उसका खुलने का कोई टाइम नहीं, कहीं कभी भी आ जाओ, आपको कोई मना नहीं, 3 बजे 2 बजे रात को आइए, और यहाँ आपको 2-3 घंटा लगेगा तो आप 4 बजे सनराइज़ यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ठंड का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि यह और स्नो ड्राइव एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यह पानी है रात को जम जाता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद की गाड़ी लेकर मत आइएगा, गाड़ी के साथ साथ आप जान माल का भी नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहे हैं, आपको कुछ अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो आपको अमल करनी चाहिए, और ये मोड़ है सबसे खतरनाक। फिलहाल ये जो गाड़ी पीछे आ रही थी वो यहीं आ रही थी, और रानी नाला के अंदर दूसरी लोकेशन, पहले ये देख लीजिएगा, तो ये गाड़ी निकाल धक्का देकर निकालनी पड़ी, और गाड़ी में कोई मिस्टेक नहीं है, यदि आपको ड्राइव करना नहीं आता है तो स्नो ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा अल्टो गाड़ी भी यहाँ मोस्टली 60-70% अल्टो गाड़ी ही चलती है तो वो भी आराम से चल जाती है। तो गाड़ी में नहीं, ये गाड़ी का जो ड्राइव है यदि उसको स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं
और बर्फीली दीवारें आपको देखने को मिलेगी। हाइट कम हो जाएगी जितना लेट आएंगे, लेकिन आपको वर्ष पर्यंत और 15 नवंबर को ये क्लोज होता है, और सुनिएगा उससे पहले भी क्लोज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन में जो लिखता हूँ। स्नोफॉल यदि ज़्यादा हो जाता है तो ये बंद कर दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है यानी कि गाड़ियाँ ज़्यादा स्लाइड करने लग जाती है यहाँ के लोकल्स की गाड़ियाँ, तो बंद कर दिया जाता है। ये इसका नियम है और ऑफिशियल डेट है 15 नवंबर। उससे पहले कभी लास्ट ईयर तो 31 दिसंबर को एक दिन के लिए खोला था, जिसका वीडियो हमने अपलोड किया था। वीडियो हम लेटेस्ट के साथ लेटेस्ट टूरिज्म न्यूज़ भी देते हैं, तो ये ट्रैफिक आप खुद देख लीजिएगा। ट्रैफिक ये 2 दिन पहले का वीडियो है, ध्यान दीजिए 2 दिन पहले का वीडियो। हमारे पास क्योंकि टीम मेम्बर जाते रहते हैं, वीडियो की कमी नहीं है, समय हमें नहीं मिलता है वो अलग बात है। तो ये है रोहतांग पास का प्यारा नज़ारा, और शिमला में और यहाँ यही अंतर है। शिमला में आपको अच्छा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ अच्छा क्लाइमेट के साथ साथ हरियाली और यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल और साथ में ये बर्फ, जो आपको यहाँ यूनिक बनाती है, आपकी एक्सपीरियंस को इनहांस करती है। क्योंकि मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बर्फ़ देखने के लिए लोग मनाली ज़्यादा आते हैं। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मनाली आप बर्फ़ देखने आते हो या हरियाली देखने, और शिमला में क्या देखने जाते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने अभी लेटेस्ट शिमला की यात्रा की है और मनाली की यात्रा की है, तो दोनों में कौन सा बेटर है वो भी आप लिखेंगे, तो हमारा जो नॉलेज है तो उसमें इंक्रीज होगा। आपका कमेंट के आधार पर ही हम वीडियो बनाते हैं। ये रोहतांग टॉप साइड का ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक इतना अब नहीं रहा है। और हमारे जो टीम मेंबर है, ये जो स्क्रीन पर नज़ारे चल रहे हैं, जल्दी आए थे तो उसका फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि कोई ट्रैफिक, जीरो ट्रैफिक था उस समय। और आगे कुछ जो ट्रैफिक मिला वो ये आप यहाँ अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्रैफिक यहाँ जो मिला है वो आपको हम दिखाते हैं। उसमें थोड़ी सी सावधानी ये करनी है कि वो समझदार नहीं है, ये ट्रैफिक समझदार नहीं है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन आपको धैर्य रखना है क्योंकि आप समझदार हैं, और ये जो पशु चारक है, ये जहाँ बर्फ हटते ही अच्छी घास और फूल निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसलिए यहाँ ऊपर की ओर आ जाते हैं या माइग्रेशन करते हैं इस रास्ते से, लाहौल वाले या इधर कुल्लू वाले, तो ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। उतर कर फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और ऊपर चल रहे हैं जो पशु है, थोड़ा सा गाड़ी साइड में चलाना है, यदि बाय द वे कोई हॉर्न दबा देगा तो नीचे गिर सकते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। और आपके सामने है याक, तो ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे अर्ली मॉर्निंग ही मिल सकते हैं, बाद में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। और ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लग रहा है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक अच्छा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।